हरियाणा बाल कल्याण परिषद के पूर्व मानद महासचिव कृष्ण ढुल ने चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 4 अप्रैल तक मेरा कार्यकाल था। कृष्ण ढुल ने कहा कि उनकी जगह प्रवीण अत्री सोमवार को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि आज वह अपने कार्यकाल का लेखा जोखा रखने आए हैं। कृष्ण ढुल ने कहा कि वह 11 जिलों में हम बाल संगम केंद्र शुरू कर पाए हैं। उनका प्रयास था कि हर जिले में बाल संगम केंद्र खुले। उन्होंने कहा कि 45 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें 2000 से ज्यादा महिलाओं व ग्रामीण लड़कियों को स्वावलंबी बनाने का काम किया गया है। ढुल ने कहा कि लावारिस बच्चों के लिए बहुत से केंद्र हैं, जिसमें से अभी तक 554 बच्चों को। आज की इस प्रेस वार्ता पर यहां पहुंचने पर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की ये जो आप सब छायाकार और पत्रकार बंधुओं को इस प्रेस में बुलाने का अभिप्राय ये था कि मेरा जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया है और 4 अप्रैल तक का मेरा कार्यकाल था। जब मैंने ज्वाइन किया हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद में एज ए ऑनररी जनरल सेक्रेटरी, तब से लेकर के अब तक के इस पड़ाव में, इस यात्रा के जितने पड़ाव रहे उनके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ विचार साझा करना चाहता हूं। और विशेष तौर पर आभार, जैसा कि हर प्रेस वार्ता में मैंने किया है, आज फिर आप सबका करता हूं कि जब मैंने ज्वाइन किया था और आज के इस हालात में जो परिवर्तन आए हैं, कल मेरी जगह जिनकी नियुक्ति हुई है, कल का रात का जो पत्रक राजभवन से जारी किया और जिस तेजी से वो पूरे मीडिया में चला, वो मुझे लगता है कि ये हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने विगत 3 वर्षों में जो कार्य किया है उसमें, और आप सब लोगों ने जो इनके कामों की जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, खंड लेवल पर जाकर के जो आप लोगों ने कवरेज दी है, उसी का परिणाम रहा। मैंने ज्वाइन किया था तब में शायद अखबारों में भी मुश्किल से लगा होगा, क्योंकि मैं मीडिया फ्रेंडली भी रहा हूँ, प्रवक्ता के तौर पर भी रहा भाजपा में, फिर भी मुझे लगता है कि भाई हमने जोर लगाया था कि भाई किसी तरह हमारी भी छोटी सी खबर लग जाए कि भाई मुझे कहीं छोटा मोटा कोई पद मिल गया। लेकिन कल अभी हमारे जिन साथी को मेरी जगह लगाया गया है, प्रवीण अत्री जी हैं, प्रवीण अत्री पानीपत से, वो सोमवार को ज्वाइन करेंगे। तो उसी बीच में, जैसा मैंने आप लोगों को पिछली जो हमारी प्रेस वार्ता थी उसमें बताया था कि बजट की जो प्रेस वार्ता थी, इसके बाद मैंने कहा था कि जब मेरा कार्यकाल खत्म होने वाला होगा तो एक बार मैं अपने कार्यकाल के लेखा जोखा आप सबके सामने रखने आऊंगा। सबसे पहले मैं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद में मैंने जब ज्वाइन किया तब से अब तक जो वित्तीय सहायता या वित्त जो हमारा सबसे अहम होता है किसी विभाग को चलाने के लिए, उसके बारे में जिक्र करूंगा। जब मैंने ज्वाइन किया 8 करोड़ रुपए उसका बजट था और 8 से 10 हुआ, 10 से 25 हुआ और 25 से फिर 25 हुआ। पिछले वाला जो 25 था उसमें से 15 हमें कोविड के कारण नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार का 25 जो है, पिछले वर्ष का 15 और इस साल का 25 जो है वो हमारे पास हो गया है, और 15 करोड़ जो सप्लीमेंट्री था 2020-21 का वो हमारे खाते में आ गया। तो 25 करोड़ के और 15 करोड़ के साथ हमारी 40 करोड़ की आज की अगर हम बात करें तो वित्तीय रूप से बहुत ही हम सक्षम हैं। अलग अलग साधनों के माध्यम से हमने समाज सेवा में जुटे हुए लोग, अलग अलग प्रकार की एनजीओज में काम करने वाले लोग, अलग अलग संस्थाओं के प्रधान, उन सबको भी लगातार हमने बड़ी बड़ी कंपनियां, MDH मसाले वाले महाशय जी हट्टी के रूप में, महाशय धर्मपाल जी जो आज हमारे बीच में नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।